पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुए विकास कार्यों को लेकर पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि वाराणसी में विकास कार्यों से भ्रष्टाचार बढ़ा है। वाराणसी में हुए विकास कार्यों और तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने कहा कि वाराणसी जनपद में जितने में विकास के कार्य हैं उन सभी कार्यों में 75% तक भ्रष्टाचार किया गया है। अमिताभ ठाकुर का दावा है कि मात्र 25% ही वाराणसी में विकास कार्य हुए हैं। सोशल मीडिया पर वाराणसी के विकास की जो गाथा और तस्वीर दिखाई जाती है जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या वरुणा कॉरिडोर, जितने भी कार्य किए गए सभी भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गए। वहीं विगत दिनों वाराणसी के भेलूपुर में गुजरात की फर्म से करोड़ों रुपए की डकैती और बरामदगी के बाद 7 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किए जाने को लेकर उन्होंने कई सवाल किए। उन्होंने सबसे पहले यूपी सरकार से इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया कि प्रकरण के दौरान बर्खास्त पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में भी दिया था। अमिताभ ठाकुर के अनुसार इस पूरे प्रकरण की जानकारी उच्च अधिकारियों को थी और राजनीतिक रसूख रखने वाले अधिकारियों को बचाने के लिए नीचे के पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। भेलूपुर डकैती कांड का स्थलीय निरीक्षण कर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच यदि सरकार नहीं करवाती है तो वह सीबीआई जांच की मांग के लिए कोर्ट जाएंगे। उनके पास इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कई क्लिप हैं जिससे पता चलता है कि ऊपर के अधिकारियों को इस प्रकरण की जानकारी थी। घटना स्थल कुछ और बताना, मौका कुछ और होना, जहाँ पर लूट के माल बरामदगी की बात कहा जाना वहाँ पर बिल्कुल ही किसी को जानकारी न होना, उसके भी फर्जी होने की पूर्ण संभावना होना, यह पूरी की पूरी स्थिति इस मामले को और अधिक संदिग्ध बनाता है। और जो हम लोग जान के आए थे लखनऊ से कि यह फर्जी घटना है, वह पूरा जो हम लोग उपक्रम देख रहे हैं मौके का, उससे साबित हो गया है कि यह पूरी तरह बनावटी घटना है और इसमें सीधे सीधे पुलिस की संलिप्तता है। किस स्तर के अफसरों की संलिप्तता है उसके बारे में हम लोगों ने कहा है कि इंस्पेक्टर से ऊपर के स्तर के हैं और वह तथ्य और साक्ष्य भी हम जल्दी आपके सामने पेश करेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि किस हद तक के अफसर इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार ये हवाला का मामला था और पूर्णतया निर्दोष व्यक्ति पर इसका ठिकरा फूटा जा रहा है, जबकि पूरी घटना उच्च स्तरीय साजिश में घटी है। देखिए, निश्चित रूप से यह मामला डाइवर्ट किया जा रहा है, इसमें बड़े स्तर के अफसर इन्वॉल्व हैं, बड़े स्तर के अफसरों के नाम उस रिकॉर्डिंग में हैं, ये हवाला का मामला बताया जा रहा है, प्रथम दृष्टया उनका संरक्षण दिया जा रहा दिख रहा है और मामला अपने आप में बहुत अधिक गंभीर है। सर, बड़े मामला, बड़े अफसरों का नाम बता रहे तो खुलासा करेंगे नाम कौन है? हम आपके पास रिकॉर्ड सही सारी बात रखेंगे जिससे आप स्वयं मानेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही। सर, जिस तरीके से इस स्थान को फर्म का कार्यालय बताया गया था, फर्म के कार्यालय पर ताला बंद है, क्या कोई घटना अगर किसी कार्यालय पर होती है तो पुलिस या फर्म का मालिक उस पर ताला लगा सकता है? इस तरीके की घटना, देखिए ये पूरा कुछ, ये ताला किसने लगाया? पड़ोसी कह रहे हैं पुलिस वालों ने लगाया, ईश्वर जाने किसने लगाया, एक एक बात यहाँ संदिग्ध है। अभी यह वास्तव में यह ऐसा मामला है जिसकी सीबीआई जांच जरूरी है।